प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे समाजवादी विजय रथ के यात्रा में आपका लगातार सहयोग मिल रहा है और आज उसी चरण में लगातार रथ यात्रा जिले जिलों में जनता से सीधा संपर्क के लिए समाजवादी विजय यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है और इधर लगातार समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। जनता विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है जिस जोश और उत्साह और जिस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल जो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आज किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, अगर धान उसने पैदा कर लिया तो धान की कीमत नहीं है, सरसों आ रही है बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया, जब किसान की सरसों पैदा होती है तो उसे कीमत नहीं मिल रही है और जिस समय उसे कड़वा तेल अपने खाने पीने परिवार को चलाने के लिए चाहिए तो उसकी महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं, सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं, जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके, बढ़ाना नहीं चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन सच्चाई में नौकरी रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं, झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। इधर निवेश को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए, निवेश पूरी तरीके से ठप है, जीरो है, निवेश आया नहीं, बेकारी बढ़ गई और कोरोना के समय पर लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनता को अनाज छोड़ दिया गया। लोग बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाइयों के लिए चक्कर काटते रहे और जब ऑक्सीजन जरूरत थी तो सरकार ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाई। और अब तो बात साफ हो गई है, सरकार यह कहती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। इससे बड़ा झूठ धरती पर कोई नहीं हो सकता है और वो भी बाबा योगी की सरकार अगर ये कहे कि यहां पर किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है। हम सब लोगों ने देखा है कि लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए, लोग भागते रहे दवाई के लिए, लोग भागते रहे अपने परिवार को बचा लें, लोग शमशान में लाइन लगा के रहे, लोगों को मदद नहीं की, जनता को अनाज छोड़ने का काम किया। लेकिन इस भावुक जनता ने इस बार मन बनाया है कि झूठ बोलने वालों का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। गन्ने का अभी भी बकाया है, बिजली महंगी हो गई है, बिजली का कारखाना नहीं लगाया, बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया और कल के भाषण में कहा जा रहा है कि वो सस्टेनेबल गोल्स को, जो सस्टेनेबल गोल्स हैं यूएन के, सस्टेनेबल गोल पे काम कर रहे हैं और नंबर वन है उत्तर प्रदेश। जिस तरह कोरोना में लोगों की जान गई है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है परिवार के लोगों का दुख, जिसका परिवार नहीं वो कैसे दुख समझेगा परिवार का। इसीलिए सरकार से ये जवाब आया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई है। और सस्टेनेबल गोल्स की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश न जाने किन चीजों में नंबर वन है,
हमें तो पता नहीं उत्तर प्रदेश कहां नंबर वन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। और सड़कों का हाल तो देख लीजिए, 12 घंटे तब होते हैं सड़क उखड़ जाती है। अगर उद्घाटन के लिए नारियल लेके जाओ तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है नारियल की जगह टमाटर का इस्तेमाल करे सड़क के उद्घाटन में, क्योंकि नारियल तो टूटेगा नहीं। अगर नारियल से उद्घाटन होगा तो सड़क टूट जाएगी, नारियल नहीं टूटेगा। इसलिए हो सकता है ये रंग बदलने वाली, नाम बदलने वाली, उद्घाटन की भी व्यवस्था बदल दे। अब नारियल से उत्तर प्रदेश की सड़कों का उद्घाटन नहीं होगा, टमाटर से उद्घाटन होगा। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाली सरकार नहीं हो सकती है। जो नंबर वन कह रहे हैं वो कस्टोडियल लेंथ में नंबर वन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो नोटिस मिलती है उसमें नंबर वन है, भुखमरी में नंबर वन है, किसानों की आत्महत्या में नंबर वन है, सरकारी कंपनियों को बेचने में नंबर वन है, बैंकों को बेचने में नंबर वन है, और तमाम आंकड़ों में जहां पर खुले जानवर घूम रहे हो, गौवंश हो रही हो, वहां नंबर वन है। जिंदा गाय को दफनाने में नंबर वन है। कोई कल्पना कर सकता है कि जिंदा गाय को दफना दें? तो इस तरह लगातार सरकार फेल हो गई है। डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो इंजन चल रहा है इस इंजन को हटा करके रहेगी जनता, और हमें भरोसा है कि जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के सवाल पर क्या कहेगी? जिस तरीके से नौकरी छटनी हो रही उसके बारे में क्या कहेगी? पेपर लीक हो रहे उसके बारे में क्या कहेगी? बेकारी के बारे में क्या कहेगी? भर्ती जो लगातार स्टे हो रही है उसमें क्या कहेगी? 69,000 जो बच्चे हैं जो अभी भी पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेगी सरकार? और ईज ऑफ डूइंग क्राइम के बारे में क्या कहेगी? महंगी पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। और आज जनता को रोजी रोटी की जरूरत है। आज जनता का भरपेट खाना मिल जाए, उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाए। सवाल ये है, स्कूलों की पढ़ाई बर्बाद कर दी, पूरे स्कूलों की पढ़ाई बर्बाद कर दी सरकार ने, चौपट कर दी पढ़ाई बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब कर दी। जो सरकार झूठ बोलती है उसे क्या उम्मीद करोगे? कह रहे हैं कि सदन में कह रहे हैं कि 2 एक्सप्रेसवे बना के दे दी उन्होंने। भाई पत्रकार साथियों बताओ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में चले मत जाना, गाड़ी नहीं पलटेगी, गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। कह रहे हैं सदन में, कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि 2 एक्सप्रेसवे दे दिए। इसलिए आज जैम की जरूरत नहीं है। जैम का मैंने बताई दिया था आपको, झूठ अहंकारी और महंगाई का जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए एक बार जैम तो कह दिया, उसके बाद भूल गए। ये मंत्री बर्खास्त हो, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का प्रिय, सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। ये लड़ाई जनता लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। ये सरकार झूठ न बोलने वाली है उस सरकार को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। जो मुख्यमंत्री 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, जो टैबलेट नहीं दे पाए, स्मार्टफोन नहीं दे पाए, लैपटॉप नहीं दे पाए, अपने संकल्प पत्र में एक भी चीज पूरी नहीं की, अभी भी दूसरों की मेट्रो चला रहे हैं, दूसरों की मेट्रो को झंडा दिखा रहे हैं, दूसरों के एक्सप्रेसवे को अपना बना रहे हैं, जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने वाली सड़क कौन सी बना दी, और NHAI में भी भेदभाव हुआ। उत्तर प्रदेश को जितना मिलना चाहिए था पैसा और प्रदेशों के तुलना में, उत्तर प्रदेश को उतना पैसा, उतनी मदद सरकार ने नहीं की है, दिल्ली वाली सरकार ने भी। अखिलेश जी, आप आज ही बोल रहे हैं, उसके बारे में बताएं, और
जैसे आप दूसरे अलायंस पार्टनर के साथ रैली कर रहे हैं उनके साथ भी होगी आगे चल के? मैंने आपसे कहा कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं कोशिश रही है उनको साथ लाने की, और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे, तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। जिस अब यह है कि जिस जिस जिले में जिस जिस पार्टी का प्रभाव है, जिस जिस क्षेत्रीय दल का जहां जहां प्रभाव है वहां वो काम करेंगे और लगातार कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। देखिए ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीटें छोड़ी थी और हमेशा छोड़ते आए हैं, लेकिन विधानसभा हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है, तो ये चुनाव विधानसभा का है और विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी सीटों पर लड़ेगी। ये विधानसभा का चुनाव ही लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा में परंपरा ये रही है, राजनीतिक हमारा पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का इतना शिष्टाचार रहा है कि एक दूसरे के लिए ये सम्मान की और गुंजाइश की जगह रखते हैं, लेकिन विधानसभा समाजवादी पार्टी हमें हमेशा लड़ी है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बड़े पैमाने पे जीत हुई थी। आने वाले समय में अपील करने निकला हूँ कि 100% समाजवादी पार्टियों को यहाँ की जनता जिता दे। ये कांग्रेस का फैसला है, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी मदद करती है, लेकिन विधानसभा चुनाव अपना समाजवादी पार्टी लड़ती है। आपने उनका भाषण नहीं सुना? वो लोहिया जी को याद करने लगे, कम से कम लोहिया जी को तो छोड़ दो, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को भी याद कर रहे हैं। बताइए, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया को ना पढ़े हैं न उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों से बहुत दूर लोग हैं, जो दूर लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं उनके सिद्धांतों से, उनके फैसलों से, उनके कार्यक्रमों से, उनकी उनके आने वाले समय में जो विजन दे रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था। तो बहरूपिया कौन है? बहरूपिया तो वो होता है जो कपड़े बदल करके आता है। कल आपके पड़ोस में आपके पुराने पार्टनर भी रहेंगे, राहुल गांधी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है अमेठी में, तो दोनों लोग एक साथ। ये अच्छी बात है कि चुनाव करीब आ गया है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। चुनाव आ गया है करीब, इसलिए क्षेत्र में हैं सब अपने-अपने। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यक्रम लेकर के निकली है और कार्यक्रम चला रही है जनता के बीच में, जनता को जोड़ने के लिए, जनता से मदद मांगने के लिए। क्या मतलब? अब क्या बताऊं मैं आपको, सच्चाई तो यह है कि बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए कि भेदभाव हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। अगर सच्चाई में किसी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को पीछे किया तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट मैचेस होने लगे थे, ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली गई है, ग्रीन पार्क में बहुत वर्षों के बाद क्रिकेट मैच अगर किसी ने कराए थे तो समाजवादी सरकार ने कराए थे। कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऐसा स्टेडियम बनाया हो जहां आईपीएल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो सके तो वो किया है। और फिर समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो, ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी कि वो दाव किसी को समझ नहीं आता है। इसलिए घबरा रहे हैं जो जानते हैं, खुद नहीं जानते कोई खेल खेलना, कुश्ती तो नहीं जानते होंगे, क्रिकेट नहीं जानते होंगे, और अगर क्रिकेट खेलना जानते होते तो
तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी लोग खेल लेते थे, खिलाड़ी थे, खेल लेते थे खेल अधिकारियों से। अब ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं ठोको वाला खेल, ठोको, झूठे मुकदमे लगाओ, अपमानित करो। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। इन्हें केवल दिक्कत वाला खेल आता है कि जनता में दिक्कत रहे, हर चीज की कमी हो, किल्लत हो, खाद है नहीं, और जिल्लत अपमानित करती है सरकार एक को। समाजवादी पार्टी विचार करेगी कि पूर्व प्रधान को दिया जाए मानदेय के न दिया जाए, वो मैनिफेस्टो में आप देखेंगे। क्योंकि प्रधानों को मिले ये सिलसिला नेताजी ने बढ़ाया, जब समाजवादी सरकार दोबारा थी तो दोबारा बढ़ाया। समाजवादी पार्टी विचार करेगी कि पूर्व प्रधान है वो भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो भी तो चुनाव जीते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। हम लोग चर्चा करेंगे आपस में कि पूर्व प्रधानों का कैसे सम्मान किया जाए। किसने? आप इंतजार करिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। बहुत सारे नौजवानों को ठोस नौकरी और रोजगार कैसे मिल सके, उस दिशा में काम पार्टी करेगी। और इसीलिए आप सोचिए, SCL लखनऊ में आया, कितने हजार नौजवानों को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको नौकरी मिल रही है। आपकी मेट्रो लखनऊ में आई, न जाने कितने प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल लोग हैं उनको नौकरियां मिली। लगभग 2000 से ज्यादा केवल एक फेज में नौकरी मिल गई है, सोचिए। इसी तरह SCL में बड़े पैमाने पे प्रोफेशनल को 4000 और 6000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिली है। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। शिवपाल जी के साथ क्या संवाद हुआ? पूरी चर्चा उसी को लेकर है, गठबंधन पारिवारिक तौर पर है, तो देखिए समाजवादी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन अनाउंस किया जब सीटों पर चर्चा हो गई, जब सीट कौन कैसी पाएगा, जब वो लगभग बात पूरी हो गई, उसके बाद ही किसी दल के साथ गठबंधन तय किया पार्टी ने। अब देखेंगे आगे वाले समय में क्या हो सकता है। मैं प्रेस का एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया।